अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन हैज़ टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की बात की जाए तो इसमें आ जाती हैं वर्टिब्रीज, स्कल, रिब्स एंड स्टर्म। स्कल जो है हमारे हेड का मेन पार्ट होता है, ठीक है। इट हैज़ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम बोन्स की अगर बात की जाए तो इसमें 8 बोन्स होती हैं, 4 अनपेयर्ड होती हैं, 2 पेयर्ड होती हैं। पेरिटल टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स, वेयर फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड आर अनपेयर्ड बोन्स। 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं फेस के अंदर, ठीक है। उनमें से 6 आर पेयर्ड एंड 2 आर अनपेयर्ड। पेयर्ड बोन्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमन, पैलेटाइन एंड इंफीरियर कॉर्निका। और अगर अनपेयर्ड बॉन्स की बात करें तो उसमें मैंडिबल एंड वोमर आ जाते हैं। ये डायग्राम में आपको इसकी लोकेशन बताई गई हुई है, ये आपको इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए तो हमारी वर्टिब्रल जो है 33 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होते हैं, इसमें 4 कर्व्स आ जाते हैं, ठीक है, जो इस एरिया को लोकेट कर रहे होते हैं। इसमें आ जाता है सर्विकल जो कि नेक वाले एरिया में होता है, थ्रेसिक चेस्ट वाले एरिया में, लुम्बर हमारे स्टमक एरिया पे, और पेल्विक स्टमक से नीचे पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होते हैं से ऊपर। सर्विकल वर्टिब्रीज की बात करें तो 7 जो है वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं नेक एरिया में। 2 सर्विकल वर्टिब्रीज जिनको जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, एटलस और एक्सिस उसको बोलते हैं, जो कि हमारी नेक हेड मूवमेंट्स जो हैं लेफ्ट राइट उसमें हेल्प करती हैं। 12 वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट इन थोरेसिक एंड 5 इन लम्बर एंड 9 वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन की बात की जाए तो उसके अंदर 4 सेट्स होते हैं, सैक्रम एंड कॉकस। इसमें वर्टिब्रीज फ्यूज हुई होती हैं, 5 जो है वर्टिब्रीज फ्यूज होके सैक्रम पोर्शन बना रही होती हैं और 4 रिमेनिंग जो है वो फ्यूज होकर कॉकस बना रही होती हैं। रिब केज की बात की जाए तो रिब केज जो है हमारा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, इस एरिया में थ्रेसिक एरिया में आते हैं और फ्रंट पे ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। लास्ट 2 वर्टिब्रीज जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और ये हमारी चेस्ट कैविटी बना रहे होते हैं।